उसका अच्छा माकन जी जयपुर में ही हैं, हमारी मुलाकात आज होगी और इस महीने में पूरा गठन कर देंगे पीसीसी कार्यकारिणी का। मेरे जो विचार हैं मैंने पार्टी को बता रखे हैं, आला कमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी सब बात को जानते हैं। पंचायत चुनाव में जितना हमें उम्मीद थी उतना हम अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले जो चुनौती आएंगी उसमें पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान कांग्रेस की सियासी गलियारों में आज सुबह से ही चहलकदमी देखने को मिली। दरअसल इसके पीछे की वजह है प्रदेश प्रभारी अजय माकन का प्रदेश दौरा। अजय माकन और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच मंत्रणा भी हुई और सरकार के दो वर्ष पर एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। वही बात करें सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, तो पायलट आज ऐसे ही मौके पर अपने करीबी विश्वेंद्र सिंह के सियासी गढ़ यानी भरतपुर पहुंच गए और इस दरमियान सचिन पायलट ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत की और पायलट ने कहा कि उनकी जो भी शिकायतें थी उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बता दी हैं। इसी के साथ पायलट ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में ये भी कहा कि वो अजय माकन से मुलाकात करेंगे और बातचीत करने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, इसी के साथ साथ संगठन विस्तार को लेकर क्या बातचीत होती है वो आगे बताई जाएगी। तो भरतपुर में द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा आप विस्तार से सुनिए। सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जिस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पायलट साहब, आज भरतपुर आप पधारे हैं सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर। सबसे पहले मैं पहली प्रतिक्रिया उस पर चाहूँगा। देखिए, सूरजमल महाराज का बहुत बड़ा इतिहास रहा और बलिदान दिया उन्होंने, उनकी आज पुण्यतिथि है। हम सब ने मिलकर उनको याद किया और सब नेतागण सब समाज के लोग इकट्ठा हुए और अच्छा कार्यक्रम हुआ। पायलट साहब, जिस प्रकार से निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन रहा उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया जो शहर में म्यूनसिपैलिटी चुनाव हुए थे। पंचायत चुनाव में जितना हमें उम्मीद थी उतना हम अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले जो चुनौती आएंगी उसमें पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और मुझे लगता है हम लोग जीतेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो संगठन विस्तार है उसको लेके लगातार कवायद चल रही है आपकी। अजय माकन जी जयपुर में ही हैं, हमारी मुलाकात आज होगी और इस महीने में पूरा गठन कर देंगे पीसीसी कार्यकारिणी का। एक जो बात सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार और जो राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा है उस पर पायलट साहब के विचार ये हैं कि एक साथ सभी चीज़ें हों। मेरे जो विचार हैं मैंने पार्टी को बता रखे हैं, आला कमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी सब बात को जानते हैं। जनवरी के महीने में सब नियुक्तियां होंगी ऐसा अजय माकन जी ने कहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो समय सीमा को हम लोग अचीव कर पाएंगे। किसान आंदोलन पर पायलट साहब अंतिम प्रतिक्रिया, किसान आंदोलन पर चाहूंगा। किसान आंदोलन जो है देश का आंदोलन है और हमारे जो किसान भाई हैं वो दुखी हैं, परेशान हैं और केंद्र सरकार को ये वापस लेनी चाहिए तीनों कानून। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कांग्रेस पार्टी का जो निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन रहा वो अच्छा रहा और आगे भी जो कमियां हैं उसे पूरी की जाएंगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, भरतपुर। तो देखा आपने कि कैसे एक तरफ राजधानी जयपुर में आज जहाँ चहलकदमी बनी रही और अब खबर है कि कुछ मंत्री भी अजय माकन से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त, और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री गहलोत खुद भी मौजूद रहेंगे। यानी एक बात साफ है कि अजय माकन अब प्रदेश के दौरे पर आए हैं तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर अब इस बात की आस जगी है कि हो सकता है कि राजस्थान में अब कुछ, राजस्थान कांग्रेस गलियारे में अब कुछ नया हो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अजय माकन के जाने के बाद क्या कुछ बड़ा होता है या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।